अच्छा सुनो ना, कल तो तुम्हारी छुट्टी होगी ना, करवा चौथ के शॉपिंग के लिए चले क्या? कल? अरे नहीं यार, वो ना कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, कल तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एक काम करो ना, तुम खुद जाके शॉपिंग कर लो, ठीक है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। काम करती हूँ, पहले पूजा का सामान ले लूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? ये लड़की कौन है? इनकी तो ऑफिस में मीटिंग थी ना। साक्षी, ये मंगलसूत्र यहाँ क्यों? तुमने पहना क्यों नहीं? और ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम तैयार क्यों नहीं हुई हो? करवा चौथ है यार। तैयार उस इंसान के लिए हुआ जाता है जो अपनी पत्नी से लॉयल हो, तुम जैसे इंसान के लिए नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? जो आज मैंने सुबह देखा रहा, वो देख के मुझे इतना हर्ट हुआ। मैं जिस इंसान के लिए भूखे पेट रह रही हूँ, पूरे दिन व्रत रख रही हूँ, उस इंसान के लिए पूरी जिंदगी सेक्रिफाइस कर दी, पर वो इंसान तो मेरा कभी था ही नहीं। कैसी बात कर रही हो साक्षी? मैं तुम्हारा ही हूँ, और ये तुम क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें आज? नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सुबह तुम उस लड़की के साथ नहीं थे? हाँ, कैफे में। इस लड़की की बात कर रही हो तुम? बस बस, और झूठ नहीं सुनने मुझे। तुम यही बोलोगे ना कि वो तुम्हारी कलीग थी? मुझे साफ साफ दिख रहा था कि तुम जिस तरीके से उसके साथ बैठे हुए थे, हंस रहे थे। साक्षी, वो लड़की। बस करो, मुझे और तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। जो आज सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, उसके बाद में तुम भी यकीन नहीं कर सकती। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हें मीटिंग्स में जाना है, तुम्हारा शेड्यूल बहुत बिजी। मैंने सोचा कि हाँ, होंगी तुम्हारे मीटिंग्स, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। ये चल रही है तुम्हारी मीटिंग्स? हाँ, पर क्या हो गया तुम्हें साक्षी? हाँ, कौन लड़की, क्या लड़की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाना चाह रहा हूँ, मुझे समझाने का मौका तू दो एक बार। नहीं समझना। कितने झूठ बोलोगे? हाँ, कितने झूठ बोलोगे इस रिश्ते को बचाने के लिए, जो बचा ही नहीं है। मुझे इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना। इससे अच्छा होगा कि मैं अकेले ही ठीक हूँ। पागल हो गई हो? कैसे करूँ? हाँ, कैसे करूँ मैं तुम्हारे यकीन? यार, तुम्हें मैं कैसे यकीन दिलाऊं? एक मिनट रुको, है ना, वर्षा को कॉल करता हूं। हेलो वर्षा। हेलो। हाँ सर, कैसा लगा गिफ्ट आपकी वाइफ को? पसंद तो आया ना सर? हाँ हाँ, पसंद आ गया। तुम घर पहुंच गई? हाँ सर, मैं तो पहुंच गई हूँ। चलो ओके, यही पूछ रहा। हो गया यकीन? हाँ, सॉरी, मैंने पता नहीं सुबह देखा तो पता नहीं मैंने क्या क्या सोच लिया। आई एम रियली सॉरी, जज्बात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। साक्षी, कभी कभी ना वो सच नहीं होता जो इंसान देखता है अपनी आंखों से। यार, हमारी शादी को इतने साल हो गए, तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं हुआ? हाँ, तुम कुछ भी बोले जा रही हो, ब्लेम लगा रही हो कि मेरा अफेयर है। साक्षी, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं आज उसके साथ इसलिए गया था क्योंकि आज करवा चौथ है और मैं तुम्हारे लिए कुछ ना सरप्राइज गिफ्ट लेना चाहता था। एक लड़की की पसंद ना एक लड़की को अच्छे से समझ में आती, और इसलिए बस मैंने वर्षा को बोला कि तुम मेरे साथ चलो, और इसलिए बस मैं उसको अपने साथ लेके चला गया।
तुम पहले बैठो। यार जब मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा सुबह और तुमने मेरा फोन भी कट कर दिया था तो मैं एकदम पागल सी हो गई थी। पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। आई एम रियली सॉरी। मैंने कॉल इसलिए कट किया था क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। और खुद ही सोचो ना, अगर मैं तुम्हारा कॉल रिसीव कर लेता तो सारा सरप्राइज ना खराब हो जाता। बस इसलिए नहीं रिसीव किया। अच्छा छोड़ो, जो भी तुमने इल्ज़ाम लगाए मुझ पर कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ना कुछ भी अगर कन्फ्यूज़न हो ना, ज़रा सा भी शक हो, मुझसे डायरेक्ट पूछ लिया करो। यार मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, मैं नहीं बताऊँगा तो कौन बताएगा? तो ये ऐसे ना कन्फ्यूज़ मत रहा करो। खामोखा तुमने इतनी टेंशन ले ली, अब एक इंसान सुबह से खाली पेट है, उसने पानी तक नहीं पिया। अब ऐसा करो, फटाफट वो साड़ी लाओ मुझे, मैं पहन लेता हूँ, और ये मंगलसूत्र पहनाओ ताकि मैं व्रत खोलने की तैयारी करूँ, ठीक है? अरे हंस क्यों रही हो, जल्दी लाओ। तुम भी ना। अच्छा सॉरी, गलती हो गई, सॉरी। अब फटाफट तैयार हो जाओ, है ना? ठीक है। आपकी सोच से ही विश्वास का जन्म होता है और आपकी सोच से ही विश्वास खत्म होता है। पति पत्नी भगवान का बनाया हुआ पवित्र रिश्ता है जिसमें लड़ाई है, तकरार है, विश्वास है, मोहब्बत है और साथ में कभी न टूटने वाला बंधन है।